हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस और इसके अलावा एटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या होते हैं। अब देखो, इसके आगे इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले वेव के बेसिक्स। वेव के बेसिक्स का मतलब, किसी भी वेव को समझने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सभी की, इनके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद एक प्लैंक थ्योरी आती है, उसके बारे में हम जानते हैं। आफ्टर दैट आता है इन दो चीज़ों के बाद, क्योंकि प्लैंक थ्योरी आ चुकी थी, प्लैंक थ्योरी के आने के बाद आता है बोहर का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बाद एक कंसेप्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो था जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। और लास्ट में हमारी बात आती है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कोई भी जो पार्टिकल है उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। डी ब्रोए और हाइजेनबर्ग ने इस बारे में बातें की थी। अब ये चीज़ें इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इनके लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, जो तुम टाइम के साथ 11th क्लास में समझोगे और 12th में भी समझोगे। 12th में हमारे फिज़िक्स में, फिज़िक्स के अंदर सेकंड बुक में, मॉडर्न फिज़िक्स जिसे कहा जाता है, वहाँ पे इनसे रिलेटेड 3 चैप्टर्स हैं पूरे पूरे। वहाँ एकदम डिटेल में पूरी चीज़ समझेंगे हम। अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू डर लगेगा केमिस्ट्री से और ना ही इसका यूज़ आगे है। भाई आगे के चैप्टर्स में इन सब का यूज़ होता तो फिर भी मैं पढ़ाता, लेकिन बिल्कुल भी सेंस नहीं है। हम सीधे आएंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, सीधे हम इस पे आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर मॉडर्न फिजिक्स में। इनका केमिस्ट्री में आगे कोई यूज़ नहीं है, कहीं भी ये बातें काम में नहीं आती है, तो इनको हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हाँ तो भाई, क्या है क्वांटम, से सुनने में डरावना लग रहा है। हाँ था तो ये बहुत डरावना, लेकिन इस मॉडल से हमें क्या बातें समझ में आनी चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो, तो इसके अंदर एक भैया है जिनका नाम था श्रोडिंजर। श्रोडिंजर, श्रोडिंजर नाम था इन भैया का। इन्होंने कंसेप्ट दिया ऑर्बिटल्स का। काहे का? ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो, कोई भी एटम था, अभी तक वही थ्योरी चली आ रही थी कि न्यूक्लियस और इसके आसपास शेल होती हैं। क्या होती है? शेल्स होती हैं, या इन शेल्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स या शेल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स एक नई चीज़ थी। इन शेल्स के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन श्रोडिंजर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स क्या था? उन्होंने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन को, हम बहुत छोटी चीज़ है इलेक्ट्रॉन, उसको हम एग्जैक्टली उसकी लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम बस उसके ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे उसके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ स्पेस होता है एटम के आसपास, स्पेस अराउंड एटम, एटम के आसपास कुछ स्पेस होता है एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन से मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उस स्पेस को कहा जाता है ऑर्बिटल। तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि भैया ऑर्बिटल होते हैं एटम्स के अंदर, जिसमें तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ऑर्बिटल क्या, एक स्पेस है, जैसे ये शेल्स हैं ऐसे एक स्पेस है एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर पूछा गया कि अच्छा ऐसा है तो ऑर्बिटल्स को हम पहचानेंगे कैसे, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड
कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल और एम एल। उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एक एटम के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तुम्हें किसी भी स्पेस पे जाना है तो उसके लिए तुम्हारी मदद करेंगे तीन नंबर एन एल एम एल। तो ये क्या होते हैं? तो फिर पता चला कि क्वांटम नंबर तीन नहीं, टोटल चार होते हैं। अगर तुम्हें ऑर्बिटल का पता लगाना है तो तुम्हें तीन की ज़रूरत है। तो अब हम समझते हैं ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ये कहानी समझ में आई ना कि भाई एटम के आसपास ऐसा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब वो कौन कौन सा है, कितना है, कैसा है, वो हम जानना चाहते हैं। तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है फोर क्वांटम नंबर्स से। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। अब देखो इसके अंदर श्रोडिंगर्स ने ना अपनी एक वेव इक्वेशन दी थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसमें ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ये एनर्जी होती है वेव की, बहुत खतरनाक खतरनाक बातें करते हैं, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इनको हम बाद में ही कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा मेन जो मोटिव है वो है एटम को समझना कि आखिर एटम है कैसा। सबसे मेन चीज़ वो है, क्योंकि वही चीज़ हमारे आगे भी काम आएगी। हालांकि कभी कभी वो इसमें से क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसको रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें श्रोडिंगर वाली सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम देख रहे थे फोर क्वांटम नंबर्स। अब देखो क्वांटम नंबर्स को समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। क्वांटम नंबर्स है क्या, कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं एटम के अंदर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स हेल्प अस टू फाइंड, या लोकेट भी बोल सकते हो, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में हेल्प करते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सर ने हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था जो मुझे आज भी याद है, तो मैं भी बताता हूँ। मैं क्या है, सिंपल सी बात कि भाई सपोज करो तुम्हें कोई ऑर्डर करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ तुम्हें ऑर्डर करनी है। अब अगर हमें ऑर्डर करनी है तो तुमसे एड्रेस मांगा जाता है। एड्रेस में क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई कौन सा स्टेट है, स्टेट के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बता दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड है ना, कौन सी सिटी है, सिटी बोल देते हैं अपन, कौन सी सिटी है, सिटी पता चल गई तो सिटी के अंदर कौन सी कॉलोनी है, कॉलोनी पता चल गई तो कॉलोनी के अंदर कौन सा हाउस नंबर है। यानी कि हमारा एग्जैक्ट, पूरे वर्ल्ड में हमारा एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है कि भाई इंडिया में कौन सा स्टेट, स्टेट की कौन सी सिटी, सिटी का कौन सी कॉलोनी और कॉलोनी का कौन सा हाउस नंबर। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ है। एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे मुझे कोई थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन ढूंढना है कि अरे थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो उसके लिए मुझे चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही एटम में भी चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तब जाके हमें उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाएगी। और उन चार चीज़ों को कहा जाता है फोर क्वांटम नंबर्स। क्लियर है बात, समझ में आई कि भाई जिस तरीके से हमारी एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हमें चार नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन एटम के अंदर निकालने के लिए हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या होते हैं फोर क्वांटम नंबर्स? ये होते हैं, सबसे पहला होता है इनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम दिखाते हैं एन से। ठीक है, अगला होता है इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी का दूसरा नाम भी है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, लेकिन एजीमुथल भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड वाला होता है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि होता है ML, और एक और होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो कि कहलाता है MS। क्लियर है बात? चार क्वांटम नंबर, इन सबकी वैल्यू अगर हमें पता हो जाएगी तो हम बता सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पे है एटम के अंदर। क्लियर है? तो नोट करो, इसे नोट कर लो भाई। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन क्वांटम नंबर्स को। इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बार चारों समझेंगे फिर एक पूरी पिक्चर समझेंगे तो पूरा आइटम समझ में आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे नंबर वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n। क्लियर? अब देखो, इस पे आने से पहले मैं तुम्हें ना चारों का एक रफ आइडिया दे देता हूँ, जिससे एक पूरी पिक्चर पूरी समझ में आएगी एक ही बार में। देखो होता क्या है कि कोई भी एटम है उसमें बीच में उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके अंदर उसकी शेल्स होती हैं स्फेरिकल शेप की। कैसी होती हैं? स्फेरिकल। और जैसे जैसे अगली शेल में जाते हैं तो शेल की साइज बढ़ती जाती है। ये 1, 2, 3 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। क्लियर है बात? अब इन शेल्स के अंदर होती है सब शेल्स। ठीक है, और हर सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। मतलब समझना मेरी बात को, जैसे एक स्टेट के अंदर होती है बहुत सारी सिटीज, है ना, City 1, City 2, City 3, और एक सिटी के अंदर होती है बहुत सारी कॉलोनी, Colony 1, Colony 2, Colony 3, ऐसे हर सिटी के अंदर होगी। सेम कहानी इस एक शेल के अंदर होती हैं बहुत सारी, एकदम रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत सारी सब शेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सब शेल्स, एक आइडिया दिखाने के लिए इस तरीके से सपोज करिए 1, 2, 3 सब शेल्स होती हैं, और हर सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। हर सब शेल के अंदर, जैसे इसके अंदर 1, 2, 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, हर सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शेल के अंदर होती है बहुत सारी सब शेल 1, सब शेल 2, सब शेल 3, और इन सब शेल्स के अंदर होते हैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स, Orbital 1, Orbital 2, Orbital 3, Orbital वही जो अभी अपन ने पढ़े। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इन हर एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कौन सी शेल। भाई हर शेल के अंदर अपनी अलग कहानी, इस शेल के अंदर अपनी अलग कहानी, तो जो बात चल रही है वो कौन सी शेल की चल रही है? हम फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि हम सेकंड वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि हम थर्ड वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल। और दूसरी बात कि भाई इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी साइज लिमिटेड है कि भाई इससे बड़ा ऑर्बिटल नहीं हो सकता। तो जो n है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। देखो जितनी ज़्यादा बड़ा n होगा उतनी ज़्यादा ऑर्बिटल की साइज बड़ी हो सकती है, हाँ या ना? तो n हमें दो बातें बताता है। क्या क्या बातें बताता है? n tells us about दो बातें, पहला शेल नंबर कौन सी शेल है, और दूसरा साइज
ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की साइज कितनी हो सकती है मैक्सिमम, और अगर शेल छोटी है तो छोटी होगी ऑर्बिटल की साइज, शेल नंबर बड़ा, बड़ी शेल हो गई तो बड़ी हो जाएगी ऑर्बिटल की साइज। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ये एन की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। समझ में आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? क्लियर है बात? पूरी वीडियो देखनी, एक एक चीज़ समझ में आएगी, गारंटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, नोट करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है, हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी होती है ना वो भी एन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ अ शेल या फिर इलेक्ट्रॉन बोल दूं मैं, एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन एन ओनली। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, डिपेंड्स ऑन एन लिख देते हैं अपन, एन पर डिपेंड करती है, ओनली नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उसके शेल नंबर पे भी डिपेंड करेगी। क्या क्या बात समझ में आई? कि सर पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये अपन को बताता है कौन सी शेल में बैठा है इलेक्ट्रॉन, और ये हमें ये भी बताता है कि अगर शेल साइज छोटी है तो ऑर्बिटल की साइज के बारे में भी ये अपन को बता देता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो होगा शेल नंबर, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। और ये हमें ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काय पर डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एन पर डिपेंड करती है। अगर वो फर्स्ट शेल में है तो उसकी कुछ अलग एनर्जी होगी, वो सेकंड शेल में उसकी कुछ अलग एनर्जी होगी, थर्ड में है तो कुछ अलग एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो काय पर डिपेंड करती है? एन पर डिपेंड करती है। समझ में आया? अब आ जाते हैं अपन सेकंड क्वांटम नंबर पे, जिसका नाम है सेकंड क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल दिया जाता है, पर हम एजीमुथल ही याद रखेंगे। इसे दिखाते हैं एल से, कैसे दिखाते हैं? एल से। ठीक है, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स, ऐसे लिखो, इट टेल्स इन विच सबशेल, इन विच सबशेल इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मतलब ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है, इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है। मैंने तुम्हें बताया कि भाई एक शेल होती है, कहाँ बना दूँ मैं डायग्राम, कहाँ बनाई यहीं बना देता हूँ। चलो, ये न्यूक्लियस, कुछ फर्स्ट शेल, कुछ सेकंड शेल। तो अब जैसे एन की वैल्यू पता लग गई, एन की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू 2 मतलब इसके अंदर, अब इसके अंदर सबशेल्स होती हैं अलग अलग, 2, 3, 4 डिपेंड करता है कितनी होती है, लेकिन एक शेल के अंदर क्या होती है? सबशेल। जैसे एक सिटी के अंदर कॉलोनीज होती हैं, वैसे ही एक सेल के अंदर सबशेल होती हैं। अब सबशेल है तो एल की वैल्यू हमें यह बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी वाली सबशेल में है, सेकंड शेल की कौन सी वाली सबशेल में है। क्लियर है बात? तो कैसे पता चलेगा, चलो समझो। देखो, एल की जो वैल्यूज होती है ना वो होती है 0, 1 से लेके 1, 2 से लेके n-1 तक। एल की वैल्यूज होती है 0, 1 से लेके n-1 तक। जैसे मैं तुम्हें बताऊं एग्जांपल, अगर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल की बात करें तो l की वैल्यूज हो सकती है 0 और n-1 कितना हो जाएगा? 1-1 मतलब बस 1, यानी कि देयर इज ओनली 1 सब शेल इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक ही सब शेल है, एक ही सबशेल होती है और उसका नाम क्या है? L इज इक्वल टू 0। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है, L इज इक्वल टू 0, तो मैं समझ जाऊंगा कि फर्स्ट शेल की 0 नंबर वाली सबशेल में बैठा है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूं तो L की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? L की वैल्यू हो सकती है 0, L की वैल्यू हो सकती है 1, 2 हो सकती है कि नहीं? L हमेशा n से छोटा ही होगा, L n के बराबर नहीं हो सकता, L की वैल्यू हमेशा n से छोटी। तो 0 और 1 यानी कि 2 सबशेल्स आर देयर इन
सेकंड शेल, सेकंड नंबर वाली शेल में कितने सब शेल्स हैं? दो सब शेल हैं, क्लियर है बात। सेकंड नंबर वाली शेल में दो सब शेल हैं, और अगर सपोज करो एल की वैल्यू ऐसे दे रखी है, हमें दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन, एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 0, तो हम समझ गए कि अच्छा उस सेकंड शेल की जीरो नंबर वाली सब शेल में, दो सब शेल है 0 और 1, तो वो सेकंड शेल की जीरो नंबर वाली सब शेल में बैठा है अपना इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में है? तो जीरो नंबर वाली सब शेल में बैठा है। ऐसे ही मैं बोलूँ एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 3, तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती। तो 3 सब शेल्स, थर्ड शेल में 3 सब शेल होती हैं, यानी किसी भी शेल में कितनी सब शेल है वो डायरेक्ट इतना ही आ रहा है। फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, तो किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितनी हो जाएगी? जो उसका नंबर है, ठीक है। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इन nth शेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें याद है, तुम निकाल सकते हो। हमें कंसेप्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। नोट करो इतनी बातें, नोट करो। ठीक है, अब देखो सबशेल ने बोला कि अरे यार तुम मेरे को नंबर नंबर से, क्या मैं कोई आर्मी में हूँ या फिर मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ जो तुमने मेरा ऐसा नाम रखा? 0 नंबर की सबशेल, 1 नंबर की सबशेल, 2 नंबर की सबशेल, मेरी थोड़ी इज्जत दो यार, मेरा भी कोई अच्छा सा नाम रखो। तो लोगों ने इनके नाम रख दिए, क्या क्या नाम रखे? एल इज इक्वल टू 0 को कहा गया एस सबशेल, क्या कहा गया? एस सबशेल। एल इज इक्वल टू 1 को कहा गया पी सबशेल, और L इज इक्वल टू 2 को कहा गया D सब शेल, और L इज इक्वल टू 3 को कहा गया F सब शेल, और L इज इक्वल टू 4 की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। तो क्या क्या हुआ? S P D F। L इज इक्वल टू 0 को क्या कहा गया? S सब शेल। L इज इक्वल टू 1 को P सब शेल। L इज इक्वल टू 2 को D सब शेल। L इज इक्वल टू 3 को F सब शेल। तो यही एग्जांपल ले लो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल की 0 मतलब S S सब शेल में है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल की S सब शेल में है, हाँ या ना? ये बात नोट करो। हो गया। अब देखो ये जो सबशेल होती है ना, ये सबशेल हमें, अब सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो एस सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या करती है? उनका शेप फिक्स कर देती है कि भैया मेरे अंदर जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सारे स्फेरिकल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मेरे अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? स्फेरिकल। तो सबशेल क्या करती है? ऑर्बिटल्स का शेप फिक्स कर देती है। सबशेल डिसाइड्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या था? एक स्पेस था जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है, तो एस सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल, या फिर ऐसे लिखते हैं अपन, ऑर्बिटल इन एस सबशेल इज ऑफ स्फेरिकल शेप, इज ऑफ स्फेरिकल शेप। एस सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होगा उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल, कुछ इस तरीके का, ऐसा सिंपल स्फेरिकल। तो एस सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होगा उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। ऑर्बिटल इन पी सबशेल, पी सबशेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल होगा उसका शेप होगा डंबेल, इज ऑफ डंबेल शेप। डंबेल मतलब वो बॉडी बनाने वाला, वो वाला, इस तरीके का। उन्होंने बोला कि भैया पी, पी सबशेल के अंदर, मेरे अंदर जो भी ऑर्बिटल रहेगा उसका शेप कैसा रहेगा?
इस तरीके का डम्बेल शेप का, ऐसे ही ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल, डी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल रहेगा उसका शेप रहता है इज ऑफ डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप। एक ऐसी और एक ऐसा का ऐसे ऊपर, डबल डम्बेल, दो डम्बेल वाला शेप रहेगा डी ऑर्बिटल के अंदर जो भी ऑर्बिटल रहेगा उसका। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या क्या कहानी समझ में आई एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मैं देख लूँ नीचे का पार्ट विजिबल है, नहीं है। अब देखो क्या क्या कहानी समझ में आई हमें, हमें यह समझ में आया कि हम जानना चाहते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन। तो हमें चार क्वांटम नंबर की जरूरत है। सबसे पहला एन, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताएगा शेल का नंबर कि भाई शेल कौन सी है, शेल कौन सी है। इसका पता चल गया कि यार अच्छा इस शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन। अब उस शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल्स होती हैं, एक शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल्स होती हैं, तो हमें पता लगेगा अच्छा इस शेल के अंदर कौन सी सब शेल में है इलेक्ट्रॉन। जैसे एक सिटी, एक स्टेट के अंदर बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, ऐसे ही एक शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल होती है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कौन सी सब शेल में है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा हमें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल की वैल्यू अगर जीरो है तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा एस सब शेल में है, एल की वैल्यू अगर वन है अच्छा पी सब शेल में है, एल की वैल्यू टू है तो डी सब शेल में है। तो हम सब शेल तक भी पहुँच गए। और सब शेल से हमें एक और बात पता चल जाती है, वो क्या है कि ऑर्बिटल उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल किस शेप का रहेगा। तो क्या मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर L टेल्स अस अबाउट, सर दो वर्ड को मिक्स क्यों कर देते हो आप, टेल्स अस अबाउट नंबर वन इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है। सबसे पहली बात कि कौन सी सबशेल में है इलेक्ट्रॉन। अगर L की वैल्यू जीरो हुई मतलब S सबशेल में है, L की वैल्यू वन हुई तो P सबशेल में है। और सेकंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हमारा किस शेप का है। अगर एस सबशेल में हुआ तो ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है, अगर पी सबशेल में है तो डम्बल शेप का है, डी सबशेल में है तो डबल डम्बल शेप का है। समझ में आई बात? ठीक है, तो एन हमें बताया था दो चीज़ें, एक तो कौन सी शेल में है इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिटल की साइज कितनी बड़ी हो सकती है। शेल से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो वो फिक्स कर दी उसने। इसने क्या फिक्स कर दिया? शेप, ऑर्बिटल का शेप फिक्स कर दिया। तो ये दो बातें बताता है, नोट करो। पूरी बात समझ में आई होगी, है ना, मज़ा आ रहा होगा क्या? हाँ हाँ सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबशेल नोटेशन इसी के अंदर है। क्या है सबशेल नोटेशन? कि हमें बताया कि देखो n इज इक्वल टू वन है तो l क्या हो सकता है? जीरो। यानी कि वन फर्स्ट शेल के अंदर भी s सबशेल होगी, ऐसे ही सेकंड शेल में l क्या क्या हो सकता है? जीरो कोमा वन, जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है। तो सेकंड शेल में भी s होगा और p होगा। तो s फर्स्ट शेल में भी है, s सेकंड शेल में भी है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन है s सबशेल में, तो क्या मुझे शेल भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी शेल की एस सब शेल में है। क्लियर है बात? ऐसे तो वही बात हो गई कि जयपुर राजस्थान में भी है और सपोज करो जयपुर एमपी में भी है, ऐसा एटम्स में हो रहा है। ठीक है, सेम नाम की सब शेल्स है, सेम नाम की सब शेल्स हो रही हैं, तो इसलिए हमें सब शेल को नोटेशन फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से एक टेबल बनाएंगी, एन एल और सब शेल नोटेशन। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। n की वैल्यू 1 तो l क्या होगा? 0। तो इसका मतलब कौन सी सबशेल हो गई? s। तो उसे अपन s नहीं दिखाते हैं, उसे अपन दिखाते हैं 1s। 1s का मतलब क्या हो गया कि n 1 हो गया और l 0 हो गया। l और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। n की वैल्यू 2 तो l क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। n की वैल्यू 2 पे l 1 भी हो सकता है। n की वैल्यू 2 पे 0 हो सकता है, 2 पे 1, 2 पे 2 हो सकता है, नहीं, l कभी n के इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? 2s, 2s। समझ में आई बात? 0 सबशेल, 0 l इज इक्वल टू 0 मतलब s सबशेल, और कहाँ की? सेकंड शेल की। तो 2s। तो यहीं से मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि अच्छा सेकंड शेल की
एस सब शेल, हाँ या ना। ऐसे ही सेकंड शेल की वन, वन का मतलब पी, तो सेकंड शेल की पी सब शेल, सेकंड शेल की पी सब शेल, क्लियर है बात। ऐसे ही एन इज इक्वल टू थ्री, तो एल क्या हो सकता है, एल ज़ीरो हो सकता है, एल वन हो सकता है, एल टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, नहीं एन इज इक्वल टू एल नहीं हो सकता, तो थ्री ज़ीरो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, थ्री एस। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस, एल ज़ीरो है मतलब एस सब शेल और थर्ड शेल, थर्ड शेल की पी सब शेल तो थ्री पी, थर्ड शेल की डी सब शेल तो थ्री डी। समझ में आई बात, इस तरीके से हम सब शेल को दिखाएंगे ताकि जैसे मैं थ्री डी पढ़ूँ तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा थर्ड शेल में डी सब शेल की बात कर रहे हैं, एल इज इक्वल टू टू की बात कर रहे हैं, क्लियर है, नोट कर लो। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना, दो क्वांटम नंबर हमने देखे, एजीमुथल और प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी दो कवर कर लेंगे, पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज इतना ही, बाय बाय।